मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर के निर्देश में गठित जनपद में जोनल रिजर्व पुलिस द्वारा शहर में पैदल मार्च किया गया। जोनल रिजर्व पुलिस बल द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान आज पुलिस लाइन ललितपुर में दंगा नियंत्रण से संबंधित पूर्वाभ्यास किया गया। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोनल रिजर्व पुलिस बल सदैव तत्पर रहेगा। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार की आज एक ऐतिहासिक पहल, उन्होंने जिस तरह से जनपद वासियों को तो वहीं प्रधानों को जनप्रतिनिधियों को भी आगाह किया है कि साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साइबर अपराध के बारे में बताया तो वहीं साइबर अपराध से लोगों को जागरूक किया, साइबर अपराध से कैसे बचें इसको भी बताया। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो साइबर अपराधी होते हैं वह बड़े शातिर किस्म के होते हैं और उनका सीधा सीधा टारगेट होता है कि वह कहीं ना कहीं अपनी बातों में उलझा लेते हैं सामने वाले को। हम बता दें कि ट्रू कॉलर की मदद से उस व्यक्ति का वह नाम भी जान जाते हैं जिसको वह फोन लगा रहे हैं और वह संबोधन भी संबोधित भी करते हैं। जैसे कोई प्रधान है तो उसको प्रधान के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो अगर कोई आपके पास ऐसा फोन आए कि आपको नाम से संबोधित कर दे तो ये मत समझिए कि वो आपका खास है या आपको पहचानता है। वो आपसे पहचान निकालेगा, वह आपको अपनी बातों में उलझाएगा, वह आपको यहाँ तक कि अपने आपको दरोगा भी बता सकता है आपके जनपद का। आप उलझिए मत, साइबर क्राइम से सचेत रहिए। तो वही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह आपसे गूगल पे और फोन पे का नंबर मांगने का प्रयास करेगा पूरी तरह से और आपको इस तरह से उलझाए रखेगा कि आप देने के लिए हो सकता है आप विवश हो जाएं। और वह यहाँ तक कहेगा अगर आपका नहीं है तो आप किसी परिचित कर देते, यहाँ तक कहेगा कि उसे किसी से पैसा लेना है और उसके पास गूगल पे या फोन पे नहीं है, इसलिए वह आपकी मदद ले रहा है, वह आपके खाते में डालना चाहता है और सीधी सीधी बात है वह आपसे लेगा आके घर पर। ऐसी कौन सी बात है कि वह आपके खाते में पैसा डालेगा और फिर लेने भी आएगा? यह आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। तो पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे फोनों से बचिए, ऐसे जो टेलीफोन आएंगे उनसे बचिए। वह साइबर अपराध जो हो रहा है इस पर जागरूकता से ही रोका जा सकता है। अगर आप बताते हो तो ये मानिए कि आप कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो पुलिस अधीक्षक की इस ऐतिहासिक पहल का सोशल मीडिया पर सभी लोगों ने स्वागत किया। जिस तरह से पुलिस अधीक्षक ने लोगों को जागरूक किया है, जनपद वासियों को व जनप्रतिनिधियों को, तो ये एक अच्छी सराहनीय पहल है। नगर पालिका ललितपुर उत्तर प्रदेश के बाबू के रिश्वत लेता हुआ वीडियो हुआ वायरल। हम आपको बताते चले, ललितपुर की जो नगर पालिका है ये हमेशा संदेह के घेरे में रही है। तो वहीं बाबू की बात करें तो वह सब्जी वालों से रिश्वत लेता हुआ पाया गया। सब्जी वालों से रिश्वत लेते हुए इसका वीडियो वायरल हुआ, वहीं खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये भी देखना। सहारा समूह के 4 अधिकारियों पर निवेशकों का पैसा न लौटाने का मामला दर्ज। सहारा के एजेंट की तहरीर पर हुआ मामला दर्ज। निवेशक कंपनी सहारा समूह के उपशाखा तालवेहट बतौर एजेंट पूरा बिरदा निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर सहारा समूह के मंडल प्रमुख RM SM टोरेटी प्रमुख पर निवेशकों का जमा किया हुआ रुपया वापस न करने व जमा करने में लापरवाही पर कोतवाली में मामला दर्ज। ग्राम पंचायत विजयपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र पर हम बताते चले कि आज वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। वही ग्राम प्रधान विजयपुरा अजय सिंह बुंदेला के प्रयास से वही 70 लोगों का आज वैक्सीनेशन किया गया। वही जिस तरह से ग्रामीणों ने आज वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है ये अच्छे संकेत है। वही ग्राम प्रधान का प्रयास भी सराहनीय रहा, वही वह लगातार लोगों को जागरूक करते रहे तो वही जागरूक भी कर रहे हैं। ये प्रसन्न रहिए, अगली बार फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी समय एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।